यह है कि अब जो है आंवला जो है खूब मार्केट में आने लगा है, और आंवला जो है वो बहुत फायदेमंद चीज है। तो कम से कम जब तक ये 2-3 महीने जाड़े में, जब तक जाड़ा है, ये खूब मिलेगा। तो और धनिया की वृद्धि खूब आ जाएगी। अब मिल भी रही है, अब तो हमेशा मिलने लगती है, मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब आप कच्चा भी मिले, लेकिन कच्चा में थोड़ा सा झंझट है, और फिर उसको मिक्सी में पीसना पड़ता है। तो हमने ये क्या किया है, ये आंवला हमने बॉयल कर लिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी डाल के बस कुकर में एक सीटी में बच जाए, 1-2 सीटी, और बस गैस बंद कर दीजिए। फिर जब ये बंद, ये मैंने से बंद रखा था, अब ये ठंडा हो गया, तो ये जो है ये देखिए एकदम बढ़िया गल गया है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको हम जो है सिल पे पीसेंगे। तो सिल पे कोई भी चीज़ पीसिए, तो उसका चाहे टमाटर की चटनी आप पीसिए, चाहे आंवले की हम पीसेंगे, तो मतलब इसका जो स्वाद होता है ना वो दूसरा होता है, और मिक्सी का स्वाद दूसरा होता है मिक्सी में पीसने का। तो ये हमें एक छोटी सी हमारे पास सिल है, तो बस आप भी अगर आपके पास नहीं है तो छोटी सी एक खरीद लीजिए। अब बस देखिए सिंगे बगल में अपना स्लेम में, ये गैस के बगल में हमने रख लिया इसको, और ये सब तैयारी कर ली है। ये धनिया की पत्ती काट के और वो करके धो के बढ़िया रख लिए। 1-2 हरी मिर्च ले लीजिए, वैसे लहसुन अदरक डालना है आपको तो डाल लीजिए वो भी, लेकिन हमने हरी मिर्च लिया है, धनिया पत्ती लिया है, ये नमक है। और इसको बस हम अब क्या करेंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह इसके बीजे निकाल लेंगे। ये इसका बिया है, ये तो बिया निकाल के, और फिर जो है ये इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, और फिर बस से इसको सिर पर बढ़िया चटनी बना लेते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट बन जाती है चटनी, इसको आप खाने के संग खाइए तो बहुत बढ़िया लगती है और फायदेमंद है। ये जो मुरब्बा उरब्बा बनाया जाता है ना, तो इसमें झंझट भी बनाने में, और ये उतना फ़ायदा नहीं करता जितना कि ये आपको चटनी आपकी पसंद आए मतलब फ़ायदा करेगी। और ये आसान भी है, बॉयल कर लिया, अब सब ये सब तैयारी कर ली, पीस लिया। तो बस अब हम क्या कर देंगे, इसको पहले आंवले को बिया निकाल लें, और फिर और जो ये पानी है ना, पानी इसको इसी से सिल धो के ऐसे उठा लेंगे, थोड़ा लिक्विड सा चटनी बनाएंगे। तो बस आप लोग भी इसी प्रकार आंवले की चटनी बनाइए, और मेरा ये वीडियो चटनी का, आंवले की चटनी का पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बस अब हम जल्दी से आंवला का बिया निकाल लें, पीस लें, उसके बाद अब दोपहर के खाने में सबको सर्व कर देंगे। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। थैंक यू।